मध्य प्रदेश के दतिया से सिंधिया के समर्थक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एसपी कलेक्टर को अपना नौकर बताया है। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर दतिया में ध्वजारोहण करने पहुंचे सिंधिया समर्थक एमपी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें धाकड़ ने कहा कि कलेक्टर और एसपी से ना डरे, यह हमारे नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, हम इनके नौकर नहीं हैं। हमें ना तो कलेक्टर से रिश्तेदारी रखनी है और ना संबंध बनाने हैं। दरअसल मुद्दा यह था कि भांडेर क्षेत्र के कुछ व्यापारी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। शिकायत में उन लोगों ने बड़े बिजली बिल के सामने बिल को धाकड़ को थमा दिया। इसके बाद मंत्री धाकड़ ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि बिजली के बिल फाड़ दो और व्यापारियों को परेशान ना करें। जब व्यापारियों ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें चोर कहा, तो धाकड़ बोले, यदि तुम ठान लोगे तो बिजली विभाग का एसई यहां नहीं रहेगा। मैं सिंधिया का चपरासी हूं, सिंधिया मेरे आका हैं और सिंधिया का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगा। इसके बाद व्यापारियों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं, व्यापारियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।